इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18 प्लस ओनली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई तो चलो चलते हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियोस में। भाई इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ऐसे गेम प्ले करेंगे कि जो बंदा बोलता है ना कि भाई मैं जैसे भी गेम प्ले करूँ, जैसे जैसे भी गेम प्ले करूँ, मेरा लॉस ही होता है ना। तो भाई आज आपको सिखाएंगे एक ऐसा तरीका जिस तरीके से आप दिमाग का यूटिलाइज बिल्कुल मत करोगे, ठीक है। आपको फिक्स पैटर्न में गेम प्ले करना है, कैसे खेलना है देख लो भाई, ठीक है। लास्ट में रैबिट का लोगो आया, और रैबिट होता है कौन सा साइड में, बीस्ट साइड में। तो आपको क्या करना है, तीनों बीस्ट को पिक करना, और रैबिट होता है 6 गुना का लोगो, तो आपको तीनों मतलब 16 को भी लेकर चलना है। बस सिर्फ यही वाला ट्रिक से आपको गेम प्ले करना है, और कुछ भी ट्रिक्स मत लगाओ भाई, कुछ भी ट्रिक्स, ठीक है। अभी चलो, अगर पंडा का लोगो आएगा तो कौन सा लोगो लेना है, अगर रैबिट का लोगो आएगा तो 16 को लेना है, मंकी का लोगो आएगा तो किसको लेना है, सारे कुछ मैं सिखाएंगे अभी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और चलो भाई फिर से एक बेट इन्वेस्ट करता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। मंकी का लोगो आया मतलब 20 साइड, तीनों बीस्ट को मैं पिक कर लिया, और मंकी जब भी आएगा तो आपको पिकॉक को लेकर चलना है। सिंपल सा बंडा है भाई, जब भी मंकी का लोगो आएगा मतलब देखो, जब रैबिट का लोगो आएगा तब 16 को लेकर चलना है, ठीक है। ओके, जब कोई बात नहीं भाई, 12 गुना यहाँ लोगो आया है, 20 साइड में से आया है लेकिन 12 गुना का लोगो, ठीक है। जब क्या होगा, जब पंडा का लोगो आएगा तब पिजन को लेकर चलना है, जब मंकी का लोगो आएगा तब पिकॉक को लेकर चलना है, और जब रैबिट का लोगो आएगा तब 16 को लेकर चलना है। सिंपल सा फंडा है। और एक चीज़ है भाई, जब लॉयन का लोगो आएगा तब किसको लेकर चलना है, हाँ डेफिनेटली वो भी सिखाएंगे, ठीक है। ये देखो भाई, मैं सेकंड लेवल का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉयन होता है 6 गुना का लोगो, तो डेफिनेटली 6 गुना का लोगो जब भी आएगा तब आपको भी 6 गुना को ही लेकर चलना है, मतलब 16 को लेकर चलना है, ठीक है। ये वाला ट्रिक से खेलो भाई, कभी 5 लेवल का ऊपर कभी नहीं जाओगे, कभी 5 लेवल का ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ भाई। और एक चीज़ है, और एक चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में रुकना है। अरे कब रुकना है, जब देखोगे कि एक बीस्ट एक बर्ड, एक बीस्ट एक बर्ड ऐसा सीरीज चल रहा है, तब आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा रुक रुक के गेम प्ले करना है। सिंपल सा फंडा। अभी देखो भाई, सार्क का लोगो आया, किसको लेके चलूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं है, सार्क का पीछे देखो, सार्क का पीछे मंकी का लोगो है, तो मंकी का लोगो अगर है तो 20 साइड में से, सार्क का पीछे लॉयन का लोगो है, तो लॉयन का लोगो है 20 साइड, तो 20 साइड में से तीनों को पिक कर लिया, और उधर से 16 को पिक कर लिया। सिंपल सा फंडा है भाई, देखो बेट फिर से पास हो गया। मैं कुछ भी दिमाग का यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये गेम में क्या होता है पता है भाई, गेम हम लोग ना बिल्कुल अपोजिट चलता है, हम लोग का खिलाफ चलता है गेम। मतलब कभी कभी क्या होता है भाई, हाँ मान लो कि गेम ट्रैक जब कर तब तो लॉस कराता ही है, जब भी गेम ट्रैक करते हैं ना तब लॉस तो कराते ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैकिंग नहीं किया, गेम ट्रैकिंग नहीं किया लेकिन फिर भी हम लोग का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि गेम का सिस्टम ऐसे ही सेट किया हुआ है, गेम का सिस्टम ऐसा है कि गेम हम लोग को दिमाग का खिलाफ ही चलता है। कि कोई बंदा अगर सोचेगा चलो भाई मंकी का लोगो आया वन बाई वन पे, तो लॉयन का लोगो भी दे सकता है, ठीक है, तो लॉयन का ही लोगो देगा, देगा ही नहीं साले, ऐसा ही करता है ये साले सब कंटिन्यूअसली गेम वालों। तो इसलिए क्या करना है, आपको खेलना है तो बिल्कुल दिमाग का, दिमाग से नहीं खेलना है, ठीक है। डेफिनेटली जूरूलेट दिमाग का गेम है, मेरे को पता है, मैं भी बोलता हूँ भाई, जूरूलेट अगर खेलना है, जूरूलेट का सीरीज अगर पहचान दो सही से, तो डेफिनेटली आपको लाखों का प्रॉफिट हो सकता है, जूरूलेट का सीरीज अगर आपने पहचान लिया। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या हो जाता है भाई, सीरीज को कुछ भी नहीं होता सीरीज से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गेम हम लोग का अपोजिट चलने लगता है, पूरा बिल्कुल अपोजिट चलने लगता है, तब जब होता है दिक्कत। तो तब क्या करना है भाई, आपको सिर्फ गेम अकाउंट में 5 लेवल का बैकअप लेकर चलो, मतलब जिस मतलब जितना अमाउंट से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, जितना हाई लेवल से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, जितना हाई अमाउंट से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं खेलना है। आपको कैसे खेलना है, आपको बिल्कुल लो अमाउंट से, मतलब 10,000 अगर एड मनी किया ना तो भाई 2 दिन से 2 दिन ले लो भाई, एक कंप्लीट करने के लिए 2 दिन टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन से क्या करना है आपको, 2 दिन से सिर्फ गेम प्ले करना है। कैसे गेम प्ले करना है, आराम आराम से गेम प्ले करना है, बस करो ना भाई, कौन मना किया है। 2 दिन 3 दिन टाइम लो, मतलब अगर आपने
10,000 अर्न मैंने किया तो 10 से खेलो ना भाई, आराम से दिन में 1,000 निकल जाएगा अगर 10 से भी गेम प्ले करोगे तो क्या ज़रूरत है भाई हाई अमाउंट से गेम प्ले करने का? बताओ आपको हाई अमाउंट से गेम प्ले करने का क्या ज़रूरत है? अगर दिन में आपको 1,000 निकल रहा है 10 से गेम प्ले करके या 20 से गेम प्ले करके, तो आपको क्या ज़रूरत है भाई हाई अमाउंट गेम प्ले करके पूरा अमाउंट लॉस करना? कोई ज़रूरत है क्या बताओ भाई? चलिए फिर से देखो मेरा ट्रिक्स कैसे काम कर रहे हैं। देखो भाई कंटिन्यूअसली मैं बेट का पास कर रहा हूँ, सिर्फ एक बेट लॉस होता है, जैसे अब सोलो का लोग जब आया था तब एक बेट का लॉस हुआ था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी हो रहा है भाई। अगर कभी रिपीटेशन होगा ना, अगर ये वाला ट्रिक से अगर कभी गेम पे रिपीटेशन हुआ ना तो हम लोग का एक भी बेट लॉस नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है भाई, 4 बेट, 5 बेट, 6 बेट, 7 बेट तक रिपीट हो जाता है भाई। रैबिट का लोगो 6 बार आ गया, लो भाई सबका लॉस हो गया, लेकिन ये वाला ट्रिक से उसका प्रॉफिट ही होगा, है ना? जितना बार 12 गुना का लोगो आएगा आपका लॉस होगा, तो जब भी 12 गुना का लोगो आएगा तब क्या करना है भाई, थोड़ा सा रुक जाना है। बारह गुना के बाद मैक्सिमम टाइम सोयल एंड पिकॉक का चांस बनता है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं लेके ही चलूँगा, ठीक है? सोयल को तो नहीं, मेरा जो ट्रिक्स है मेरा ट्रिक से ही गेम प्ले किया है। देखते हैं फिर ये वाला बेट क्या होता है। आना चाहिए भाई सोयल का लोग, आना चाहिए, मैंने भी सोयल पर 350 अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। देखते हैं फिर कौन सा लोग आता है भाई। चलो रैबिट का लोगो पास हो गया फिर से। देखो भाई ट्रिक्स कैसा काम कर रहे हैं, देखो आप क्या सोचोगे कि भाई लॉयन का पहले 2 बार रैबिट का लोगो आ चुका है तो नहीं आएगा। तो अगर भाई ट्रिक्स मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अगर आपको जरूर लेट में लॉस कवर करना है तो ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, दिन में 7 टाइम्स मैं पिटिशन करता हूँ उधर, सब लोग जरूर आ जाना भाई। ओके चलो वीडियो 7 मिनट का बन चुका है, एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।